जनता भी लिंक ही मांग रही है। ये तक लिंक ही नहीं मिला बच्चों को। हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने एनओएच की रिएक्शंस पढ़ रहे थे और केस थ्री पे मैंने छोड़ दिया था, आपको याद है। लगा था कि काफी हो गया आज के लिए, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। So you already started with case 3. Yes, तब इनिशियल थोड़ा सा बताया था। कितने बता दिए थे? सारे बता दिए क्या? सर ये P408 goes to Na3PO4 NaHPO3। वो तो मिक्स जनरेटर यार, वो तो मिक्स सर लास्ट एग्जांपल यू हां मतलब ये जस्ट मैंने स्टार्ट वाला जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो आपने उसको चारों से आसपास वाला एग्जांपल दिया। मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करा दी बेटे। इनऑर्गेनिक का सिलेबस हो गया बेटा, खत्म हो गया। सर अभी स्टार्ट किया क्या? अरे खत्म हो गया सिलेबस यार, कमाल कर रहा है तू, मैं कह रहा हूँ तेरे को। ओके सर। अरे भाई अभी शुरू ही किया है, देख एक पेज फर्स्ट पेज क्यों परेशान होता है। चलिए भाई बच्चों, यश सोमानी तुम भी हो गया साथी? नहीं देखिए ऐसे कोरेस्पोंडिंग परोक्सी एसिड होगा ना, लास्ट टाइम वो लिखा था आपने। हाँ बेटे कोरेस्पोंडिंग पर मतलब ऑक्सी में पर लिखना भूल गया। परोक्सी एसिड बिल्कुल बेटे, है ना, मतलब डोंट वरी, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए साहब भाई, ये मैंने आपको बताया भी होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका ज्यादा होता है भाई, इसका कम होता है। और बेसिक स्ट्रेंथ अगर बात करें कॉन्जुगेट बेसिस में, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोपरोक्साइड विल बी अ वीकर बेस, दिस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस। और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई क्या होगा, HO O-, ये ज्यादा होगा H- से। हमने इतनी बात करी थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो अब देखिए भाई, मैं फर्स्ट पेज पे वापस आऊंगा, मतलब मैं सेकंड पेज पर पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ जगह ज्यादा चाहिए, देन आई विल कम बैक टू फर्स्ट पेज एंड आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग आल्सो, नॉट एन इशू। सो हाउ वाज रिएक्शन गेटिंग इनिशिएटेड इज भाई HOOOH HO- के साथ HOO- और H2O, ये क्या आ गया, हाइड्रो परोक्साइड एनायन। और भाई ये क्या कर रहा था भाई, SO3 पर HOO-, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और यहाँ से क्या आया, O डबल बॉन्ड S भाई O- OOH ये, और डबल बॉन्ड O, और HO- के साथ क्या आ गया, S डबल बॉन्ड O O-, और ये आ गया। तो देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है, वापस जाता हूँ एंड देन अगेन I'll come back and you know I'll keep on flipping and then I'll give you time for writing also. So यहाँ पे देखिए क्या आएगा, Na2SO5+H2O. लेकिन इसमें एक ये भी बनता है क्वेश्चन कि कई बार SO3 excess दे देते हैं, मतलब पेन गया, SO3 excess दे देते हैं, तो क्या करना है, how is it different? तो जस्ट अ मिनट, अगेन गोइंग बैक टू द पेज नंबर 2, तो अब देखिए बेटे SO3 एक्सेस में अगर होगा तो मतलब अब क्या होगा भाई, ये तो हमारा नॉर्मल केस कर लिया था, तो अगर एक्सेस में होगा तो बेटे दोबारा से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O माइनस, अगर मैं इसको A दे दूं और इसको B दे दूं, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बच्चों भाई, एक B के ज्यादा होगी।
कम होगी, बी की ज्यादा होगी, डीलोकलाइज है ये, डीलोकलाइज है। तो अब देखिए ये क्या होगा भाई, SO3 यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से क्या मिलेगा O माइनस, S डबल बॉन्ड O, O O और भाई S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, इसे बोलेंगे पर ऑक्सो डाई सल्फेट एनायन। और कहने का मतलब देखिए ये है, अगर मैं ये दूसरा पेज लिखने के लिए दूंगा आपको, SO3X अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा Na2S2O8 plus H2O। और देखिए मैं क्या लिखवाऊंगा नोट, कि अगर आपको भाई मतलब नॉर्मली मतलब भाई एसिडिक ऑक्साइड H2O दिया है, तो परोक्सी से हम एनायन लेंगे, परोक्सो एसिड से, परोक्सो मोनो एसिड से, बट अगर ये एक्सेस में है तो परोक्सो डाई एसिड से लेंगे। बच्चों आर वी गुड? यस सर। ओके बेटे कॉपी कर दीजिए जल्दी से। So can you show the next page? Yeah. Have you copied the first page? So this was done now, like we wrote it last class. Okay, बेटा आप अकेले नहीं हैं। सर नहीं एक्सेस वाला केस नहीं लिखा था लास्ट क्लास। कोई मतलब है ना, सब लोगों को लिख लेने दिया कोई है ना? बच्चों यस और जल्दी लिखिए सब लोग। 1 minute सर। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। इनऑर्गेनिक की क्लास से पहले ना ऐसे उंगलियों की ना ऐसे एक्सरसाइज कर लिया करो, मतलब वार्म अप यू नो, और जल्दी जल्दी लिखा करो बेटा, समझे? Yes. Sir, noted. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. भाई page number 2 बच्चा परेशान हो रहा हमारा एक। Page number 2. साथी। जनता यस जस्ट अ सेकंड, एक नोट भी लिखवाना है बताओ ना आपको। हो गया? यस सर। ठीक है लिख दीजिए कि भाई इन रिएक्शन ऑफ NaOH एसिडिक ऑक्साइड एंड H2O2 इन रिएक्शन ऑफ NaOH एसिडिक ऑक्साइड एंड H2O2 एनायन इन सॉल्ट इज टेकन मोस्टली, एनायन इन सॉल्ट इज taken mostly by peroxomono acid by peroxomono acid and if acidic oxide is present in excess, acidic oxide is present in excess, then anion is taken from peroxo diacid. Then anion is taken from peroxo diacid. Cool है?
और अब देखिए अब भाई NaOH पी फोर रोटेन एच टू ओ टू, यहाँ पे क्या जाएगा एन ए थ्री पी ओ फाइव प्लस एच टू ओ, यहाँ पे एन ए फोर पी टू ओ एट प्लस एच टू ओ। बट एन टू फाइव में एच एन ओ फोर, एच एन ओ फोर होता है मतलब भाई यहाँ पे बनाता हूँ मैं एच ओ ओ एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और ये प्लस, तो मैंने इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया कि इन केस किसी को नहीं पता हो तो एन ए एन ओ फोर प्लस एच टू ओ। परोक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आर सी ओ ओ ओ माइनस एन ए प्लस, एपोक्सीडेशन में भी यूज किया है अपने एसिड और इसका सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ई सी ओ ओ ओ माइनस एन ए प्लस प्लस वाटर। और देखिए अब अभी तक हमने भाई ये कॉपी कर दीजिए, ये दोनों मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा तब मैं इसे करूंगा, इसमें कुछ अलग तो है मतलब क्या अलग है भी बताने वाला हूँ। सर एक डाउट है सर, एचओ माइनस और एचओ माइनस में एचओ माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिस ज्यादा क्यों हो रहा है भाई? ये तो लास्ट क्लास ही बताया था, आपका नाम बताइए। श्रेयांश सर। कौन सा श्रेयांश? यस सर। भाई बताया अल्फा इफेक्ट बताया था एक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के बराबर में अगर लोन पेयर है तो एलपीएल प्रोपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है साथी? अच्छा ओके सॉरी सॉरी, अरे अरे कोई बात नहीं, सॉरी की भी जरूरत नहीं मेरे दोस्त। बच्चों ये हो गया, सेकंड वन सेकंड हो गया। ओके सर डन सर। मजाक कर रहा है, कर लिया ना? जल्दी जल्दी कर भाई, जल्दी कर। देखिए मैंने इनको क्यों छोड़ दिया है, एक्चुअली अगर हम एच ओ ओ माइनस को देखें तो एक तो भाई दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्टेनली, इसके अलावा बेटे देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ऑक्सीजन का कॉमन क्या होता है माइनस टू होता है, तो ये खुद क्या होगा रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा भाई ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, मतलब कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। अब ये अगेन हम सेंगे दोनों केस जानबूझ के छोड़े, नेक्स्ट पेज पे करूंगा फिर वापस से इसको लिख दूंगा। सो दिस इज डन आई गेस। ये से लास्ट वाला पार्ट लिख रहा हूँ, एच ओ वाला। लिखने की स्पीड बढ़ाइए बेटा प्लीज। सर जब N2O5 का NO4 2- बनता है तो फिर Na2NO4 बनना चाहिए ना? क्या बात है, आपका नाम बताइए, मजा ही आ गया सुन के। नाम क्या? कृष्णा। क्या नाम है? क्रिश, सुपर हीरो कृष्णा सर। कृष्णा कृष्णा, अरे भगवान है आप, भगवान थोड़ा दिमाग लाइए, इसमें HNO4 है, H2NO4 नहीं है वो, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस वन माइनस वन को दोनों को ऐड करते हैं। सॉरी सर वो प्लस दिखा नहीं, सॉरी। ओ मेरी गलती बेटा। तो भाई देखिए एच ओ ओ माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे मतलब ऑक्साइड विद सेंट्रल एटम इन हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो तो ये भाई दिस एक्ट एज मतलब ये अलग अलग है ऑफ कोर्स, एक्ट एज अ भाई न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और क्या आएगा भाई एनायन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग परोक्सो एसिड गेटिंग इट। बट अगर ये एच ओ ओ माइनस भाई ऑक्साइड विद सेंट्रल एटम इन लोअर पॉजिटिव ओएस है तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा भाई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ सॉरी ऑक्साइड
plus reduced form of HO O minus. तो अब देखिए इसीलिए भाई अगर HO O minus SO3 के साथ कर रहा है तो भाई बेसिक मीडियम ऑफ कोर्स तो यहाँ पे क्या आ रहा है SO5 minus 2 आ रहा है, लेकिन जब ये SO2 के साथ करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सल्फेट आएगा भाई यहाँ पे, मतलब वो ये कि ये कैसे एक्ट करा है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा है और यहाँ पे ये कैसे एक्ट करा है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट किया है पार्टिकल्स और भाई देखिए अब मैं एक मिनट के लिए वापस जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एसओ टू एच टू टू में यहाँ पे हमें भाई क्या मिलेगा एसओ थ्री बन जाएगा ये ऑक्सीडाइज होके एसओ थ्री और यहाँ पे क्या मिलेगा एन ए टू एसओ फोर और एच टू पर ऑक्सो नहीं मिला। पी फोर ओ सिक्स क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके भाई पी फोर ओ टेन और क्या मिलेगा एन ए थ्री पी ओ फोर और एच टू ओ मिला। तो अब पहले पेज नंबर थ्री पर ये जो दो रिएक्शन मैंने छोड़ दिए थे प्रोडक्ट ये लिख दीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज कॉपी करने के लिए दूंगा। कंसेप्ट क्या था अगेन आई एम सेइंग एच ओ ओ माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इफ ऑक्साइड इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन देन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये कर लिया सर, जब ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी होती तो ऑक्सीडाइजेशन को ही क्यों प्रायोरिटी देता न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा ये कर लिया सबने? यस सर। वेरी गुड। तो बेटे क्योंकि ये मतलब कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपने सुना होगा और इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू है तो ये माइनस टू में जाने की टेंडेंसी इट्स ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा है ना, ये हम बेटे ई नॉट वैल्यू से भी सपोर्ट कर सकते हैं इसको। मतलब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो गई ना कि नहीं होगी? अभी खत्म हो गई। खत्म हो गई, अरे वाह मजा आ गया। तो फिर ई नॉट वैल्यू से भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके सर। Particles. So if peroxide was in excess, then SO5 to minus form होता है। तब हो सकता है, तब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम आगे भी मतलब इससे prolonged मतलब H2O2 addition करते ही जाएं, तो definitely आगे हो सकता है, not an issue. Okay sir. What is your name बेटा? आपका नाम क्या है? Excess वाला बच्चा? जय। जय। हाँ चाहिए मुझे याद आया। बच्चों कर लिया क्या? वेट सर। भाई जल्दी जल्दी यश सोमानी आर यू देयर? नो डन सर। बच्चों क्या कहते हैं, हटा दूं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए साहब हमने एक्शन ऑफ NaOH करा था एसिडिक ऑक्साइड पर, अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ NaOH ऑन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और भाई ऑक्साइड्स में देखिए M प्लस एक्स ओ माइनस टू अगर कोई ऑक्साइड कंपोजिशन है तो बेटे देखिए मैंने शायद बताया हो कि पोलराइजिंग पावर ऑफ एम प्लस एक्स अगर लो होगा तो ऑक्साइड क्या होगी बेसिक और हाईली बेसिक ऑक्साइड, अगर भाई पोलराइजिंग पावर ऑफ एम प्लस एक्स वेरी हाई मतलब है ना तो याद है ऑक्साइड जो होगी भाई एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगी। मतलब मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको शायद कि भाई एम एन टू ओ सेवन Mn2O7 CrO3 etc. और अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ भाई एम प्लस एक्स मतलब यहाँ पे मॉडरेट होता है तो ऑक्साइड क्या होती है एम्फोटेरिक होती है। ठीक है तो पहली बात तो ये। और देखिए रिएक्शन क्या होता है NaOH प्लस मैं पहले जनरल रिएक्शन लिखूंगा फिर एग्जांपल दिखूंगा तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहले बेटे हाइड्रोक्साइड बनता है फिर हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनता है। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स मतलब ओ एच माइनस के बाद कॉम्प्लेक्स
और उसके बाद भाई फाइनली जो है वो मेटलाइट और मेटलेट आता है जो कि वाटर सोलेबल है, और इसमें अगर इसको एसिडिफाई कर दिया जाए तो हाइड्रोक्साइड रीअपीयर्स। अब अगेन आई एम सेइंग, ये मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। पहले जनरल रिएक्शन लिख लीजिए एम्फोट्रिक ऑक्साइड के साथ। मेक इट फास्ट, आई एम कमिंग इन अ मिनट, मैं एक पानी का बॉटल पकड़ के लाता हूँ। यस डन है क्या सर? सर वन मिनट सर। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स के बेटे OH माइनस के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं सर, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। क्या बात है, क्या बात है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, ये नई चीज सुनने को मिली आज। कॉम्प्लेक्स क्या है, क्या नाम, आपका नाम क्या है सर? नील। नील नील नील, एक बार की दो बार? जैसे NaOH प्लस BeO है, बेरिलियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले BeOH होल ट्वाइस, ठीक है, उसके बाद NaOH हम एक्सेस में ले रहे हैं ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे Na2BeOH होल फोर। नील मेरे दोस्त, ये हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स है बेटा, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं, इतना तो सुना ही होगा, इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है आपने, है ना। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट मतलब ये तो आप बिजली गिरा रहे थे, वो बिजली मत गिराइए, है ना। थैंक यू, तो Na2Be4 आ गया, और ये देखिए साहब इसके बाद क्या आता है, Na2BeO2 आता है, मतलब ये है बेरिलेट, और अगर इसे एसिडिफाई कर दें तो वापस से क्या आएगा, BeOH होल ट्वाइस आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से OH माइनस दोबारा से अटैक कर रहा है। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली मतलब मेटलाइट और मेटलेट में ही चेंज हो जाते हैं अनलेस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट और OH माइनस इज टू मच। तो ये हमने देखा बेरिलियम ऑक्साइड, अब देखिए ऐसे ही एक और देखते हैं NaOH प्लस जिंक ऑक्साइड। बेटे देखिए यहाँ पे क्या आता है, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट जिलेटिनस पीपीटी, मतलब वाइट पीपीटी मतलब है सिंपली आपके लिए। फिर क्या आएगा, Na2ZnOH होल फोर, और फिर क्या आएगा, Na2ZnO2, तो ये जिंकेट हो गया, और इसको अगर एसिडिफाई करेंगे तो वापस से जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी रीअपियर हो जाएगा। गेटिंग इट, ऐसे ही देखिए भाई NaOH प्लस Al2O3, और भाई Al2O3 के साथ यहाँ पे AlOH होल थ्राइस, इसका भी सिमिलर वाइट पीपीटी होता है, और ये Na3Al
OH होल सिक्स. अभी हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स में फोर लेना है कि सिक्स लेना है अभी आपको ये नहीं क्लिक करेगा, मतलब ये मैं जब कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे हम तब आपको पता लगेगा. तो तब तक के लिए आप इसे एज इट इज फॉलो कर रहे होंगे. और ALOH होल थ्राइस ये YPPT आ गया. मैं और भी एग्जांपल्स लिखूंगा अभी, ये कॉपी कर लीजिए पहले जल्दी से. सर हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स हमेशा बेसिक कंडीशन में जाएगा ना? बेटे NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. ओके सर, बेसिक कंडीशन ही है. सर साथी सर कैन यू रिपीट दैट पॉइंट? आप वो बोल रहे थे बहुत डाइल्यूट होगा तो क्या वो हाईली अगर कॉन्क बेस है, डाइल्यूट नहीं, हाईली कॉन्क बेस अगर है तो उसी में हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहते हैं, अदरवाइज वो मेटलाइट मेटलेट में चेंज हो जाते हैं बेटा. ओके सर थैंक यू बेटा. बच्चों कर लिया सर? यस ALO2 व्हिच इज दैट वन मींस ये बेटे like you have given like beryllate and zincate na, so NaAlO2 is what? तो आप बताइए क्या लग रहा है आपको? इतना तो illuminate. अरे बाप रे मार डाला इसने, देखो genius है लड़का ये, पकड़ो इसे, इसको पकड़ लो बच्चे को. साथ ही कमाल कर दिया, common sense बोलते बेटे इसको. हटा दो बच्चो. yes चलिए भाई ऐसे ही कॉन्क बेस वाला पॉइंट लिखना है क्या जिसमें स्टेबल रहेगा कोऑर्डिनेशन का? जरूर तो लिख ले, लेकिन जरूरत नहीं. SNOH होल ट्वाइस आता है 10 के साथ, फिर यहाँ पे Na2. बेटे अगर कुछ भी लिखने लायक होगा तो मैं पक्का लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत लिखवाने वाला हूँ आपको. ओके सॉरी. नहीं नहीं सॉरी बात ये है यार, बात कर रहे हैं. अभी तक आपने सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में लिखा है? पांडे ने लिखा है ऑर्गेनिक. पांडे ने ना, तो yes, हम इक्लिप्स है ना, इक्लिप्स कर देंगे मिस्टर पांडे को लिखने में, तो वैसे भी कर सकते हैं. देखिए Na2SNOH होल सिक्स स्टेनाइट है, और यहाँ पे Na2SNO3 आता है. ये बेटे स्टेनेट है, देखिए यहाँ पे फर्क है, आइट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. ऐसे ही अब मैं वापस से H+ से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम है, मतलब है ना, डजंट मेक सेंस कि मैं बार बार वही चीज रिपीट करता हूँ. तो PbOH होल ट्वाइस, ये भी वाइट PPT होता है बेटे, ये भी वाइट PPT होता है. और Na2PbOH होल फोर और Na2PbO2, ये क्या होगा भाई? प्लम्बाइट है ना. और भाई ऑब्वियसली मतलब वो वापस आ ही जाएगा, NaOH प्लस PbO2 PbOH 4 Na2 PbOH होल 6 एंड देन Na2PbO3 और ये प्लम्बेट आ गया. और बेटे देखिए जिंक और एल्यूमिनियम के साथ जो था वो इनका टेस्ट भी है, तो मैं उसको अलग से भी लिख पाऊंगा. ठीक है, तो भाई कॉपी कर दीजिए एंड प्लीज जल्दी से कॉपी करिए. सो लास्ट रिएक्शन में PbOH होल 9 है कि होल 4 है? 9 पढ़ना जानते हैं कैसे होता है? 9 अभी तक 9 आया कहीं? ओके भाई ना कर्सिव राइटिंग में लिखता होगा ये.
और देखिए धीरे धीरे ना अपने डाउट का लेवल की, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा है कुछ, तो ये टू है कि कुछ और है, इससे थोड़ा ऊपर आइए डाउट में ना, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए, बढ़ेगा सर भाई। हाँ सर, ये मेटलेट, ये तो मेटलेट से बेसिकली सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड है ना। राइट ना, कर लिए बच्चों? यस थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए साहब, तो अब देखिए मतलब मैंने जो बात का है, कह रहा था ब्रायन, ब्रायन लारा हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। यू फाइन, वेरी गुड। चलिए क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, काफी बड़ा फैन हूं मैं तुम्हारा। देखिए साहब, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ जिंक प्लस टू एंड एल प्लस थ्री बेटे कैसे करते हैं, मतलब अच्छा देखिए एस्टिमेशन दो तरह के देखते हैं आप, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव आपने पढ़ा होगा फिजिकल में, उसमें हम क्वांटिटी कितनी है, और क्वालिटेटिव हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, भाई उसमें हम ये देखेंगे कैटायन कौन सा है, मतलब है कौन, आइडेंटिफाई करना होगा एनायन कैटायन। एनीवेज तो देखिए होता क्या है, जिंक क्लोराइड भाई, या फिर जिंक सल्फेट ले सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी सोल्यूबल जिंक प्लस टू सॉल्ट सोल्यूबल, ऑफकोर्स क्योंकि इनसॉल्यूबल होगा तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो इसको क्या करते हैं, NaOH के साथ करेंगे भाई, ZnOH होल ट्वाइस का वाइट PPT एंड भाई NaOH एक्सेस, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ Na2ZnO2, मतलब हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, और इसको एसिडिफाई करेंगे बेटे, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, रिपीटिशन है सिर्फ ये, तो ये क्या होगा वापस आ जाएगा। तो बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया, ये जिंक का क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में रिएक्शन यूज होती है। ऐसी एल्यूमिनियम के लिए मतलब इसको लेक टेस्ट बोलते हैं, फालतू बात है कि लेक क्यों, लेक किसने, कहीं लेक नहीं आ रही है, मतलब AlCl3 Al2SO4 होल थ्राइस और Al+3 का सोलेबल सॉल्ट, और वही है NaOH क्या आएगा, पहले AlOH होल थ्राइस आएगा, ये 3 है भाई, इसमें डाउट पूछेंगे फिर है ना, NaOH एक्सेस, और धीरे धीरे राइटिंग से एडजस्ट हुई है, मैं भी एडजस्ट हो रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री से, आप भी एडजस्ट हुई है ना, मतलब मेरी राइटिंग खराब है, बाकी आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई मतलब देखिए एल्यूमिनियम का इस तरह से टेस्ट कराया था, तो ये रिएक्शन जिंक और एल्यूमिनियम के टेस्ट में भी यूज होती है। बच्चों कॉपी कर दीजिए, और बच्चों एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ी है, क्या कहते हो 10th क्लास में? No, yes, sir. पढ़ी है लेकिन याद नहीं है, पढ़ी है लेकिन याद नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और जो नो कह रहा है वो बच्चा, मुझे क्या आप मतलब नकल मार के पास हुए भाई? मेटलर्जी है ही नहीं 10th में, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है यार, ICSE में है, CBSE में भी है। yes. कैसे, कुछ और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा और सर? एग्जैक्टली याद नहीं इतना याद। तो कार्बोनेट्स के लिए होता है दिस सिंबल्स? नहीं नहीं ऐसे, चलो देखते हैं बेटा, कॉपी कर लिया आपने, बताइए सर कोई सॉल्वेंट की मतलब मदद से हम लोग का समथिंग वाज देयर सर यूजिंग कार्बन प्लेट लाइक दैट। 10th का नाम सुन के बच्चे बहुत इमोशनल हो गए, मतलब एकदम से खूब सारे आंसर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये कॉपी कर लीजिए, मैं बताता हूं यार। दिस डन? यस सर, यस सर। Using NaOH, Rishi. Rishi, which batch you are from? Sir, NNPGC1. Okay. देखते ठीक है सब। देखिए लीचिंग क्या होता है बेटे, मतलब मैं पहले लिखवा देता हूँ कि ओर और इम्प्योरिटी का सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ रहे हैं? लिखिए इस बात को, लीचिंग का डेफिनेशन कि भाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओर based on difference in chemical property of
ore and impurity. Is known as leaching. ठीक है साहब. अब देखिए भाई Al2O3 और Fe2O3 बेयर्स प्रोसेस बता रहा हूँ. ये एक लीचिंग प्रोसेस है. एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में यूज होता है एल्यूमिना के लिए. तो भाई Al2O3 और Fe2O3 Fe2O3 रेड ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो NaOH डालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा भाई AlOH पोल थ्राइस और भाई FeOH ये भाई रेडिश ब्राउन होता है और ये हमने देख लिया वाइट होता है. फिर इसमें भाई NaOH एक्सेस डालेंगे तो क्या आएगा भाई NaAlO2 आएगा और FeOH होल थ्राइस तो इनसॉल्युबल रहेगा तो भाई रिमूव बाय फिल्ट्रेशन और फिर इसको H प्लस करेंगे तो AlOH होल थ्राइस आएगा और इसको हीट करेंगे ये हीट का साइन है तो Al2O3 ये क्या आ गया प्योरीफाइड आ गया. तो देखिए मतलब बेयर्स प्रोसेस में भी हम Al2O3 के एम्फोटेरिक नेचर को यूज कर रहे होते हैं जो कि एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में आता है. जनता ये बनता मतलब ओके ओके वेरी गुड. कॉपी कर दीजिए जल्दी से. Done, sir. Yes, कर हाँ सर. So please wait sir 2 minutes. 2 minutes will be very long, but I'm waiting. Please copy fast. सर हो गया. हो गया. सबने कर लिया ना? Yes sir. Okay. अब देखिए साहब भाई हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ देखा और अब हम देखते हैं भाई एक्शन ऑफ NaOH ऑन मेटल्स. और बेटे देखिए मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं मेटल्स आपको पता ही है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिंक प्लस H2SO4 जिंक प्लस HCl. तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है मतलब एसिड से रिएक्ट करने की होती है बेस से जनरली नहीं करता है. तो भाई सिर्फ वही मेटल रिएक्ट करते हैं जिनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. तो मतलब मैं लिख देता हूँ कि भाई हैविंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मतलब ये reacts with alkali NaOH KOH whatever है ना. तो इसमें देखिए reaction जो होता है general अगर बात करें तो पहले भाई वो ये metal hydroxide और फिर भाई hydroxo complex और फिर metallite और metallate. बट इसमें बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी इवॉल्व होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई रिड्यूस भी होना चाहिए. तो यहाँ पे H2 भी रिलीज होता है. तो देखिए जैसे बेरिलियम भाई जिंक एल्यूमिनियम टिन टिन लेड लेड बस बहुत है NaOH ऑब्वियसली सब में NaOH ही है. देखिए यहाँ पे क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा यार मैं वो पूरा कहानी नहीं लिखूंगा. Na2BeO2 आएगा बात समझ रहे हैं. अच्छा जिंक के साथ H2 आएगा H2 लास्ट में लिखूंगा डोंट वरी ना. तो Na2ZnO2 आ जाएगा इसके साथ NaAlO2 आ जाएगा. अब बेटे टिन मैंने दो बार लिखा है क्योंकि कंडीशंस पे डिपेंड करता है. अगर एनहाइड्रस कंडीशन हो तो अलग होता है और एक्वस में अलग होता है
यहाँ पे एनहाइड्रस और एक्वस, तो बेटे मतलब एनहाइड्रस में मेटलाइट आता है Na2 SnO2 और एक्वस में मेटलेट आता है 8। और हम ये बात को कह भी सकते हैं कि वाटर में क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही होगी, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे Na2 PbO2, देखिए ये क्या था, आइट था स्टेनाइट और ये क्या था स्टेनेट। अब ये मैं पहले लिख चुका हूँ प्लम्बाइट और ये क्या है भाई Na2 PbO3 प्लम्बेट और सब में कॉमन प्रोडक्ट क्या आएगा भाई हाइड्रोजन गैस सब में इवॉल्व होगी। बच्चा बाटी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर साथी हाँ सर, ये मेटल हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्स कॉम्प्लेक्स बनने की इसमें सर कुछ ये हेल्प, कोई हेल्पर की जरूरत है, मतलब इसे कैटलिस्ट की जरूरत है? नहीं भाई, होता तो मैं बताता। अच्छा ओके सर, ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर सकते। रिलैक्स साथी, रिलैक्स। डन सर, थैंक यू सर। ओके बेटे जस्ट मिनट यार, तो अब देखिए भाई बच्चों सबने लिख लिया ना? ओके, तो देखिए जिंक इसमें से मतलब भाई जिंक NaOH और Al NaOH कपल, इसको तो इट्स ए वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स ए पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये काफी जगह यूज होता है। बट इसका कोई रिड्यूसिंग एक्शन आपने पढ़ा है कहीं, कुछ याद आता है? मतलब पढ़ा तो है, मैं ये भी बताता हूँ, तो याद आता है साथियों बेटे? हैलाइड्स में RX जो होता है हैलाइड्स, इसको अगर जिंक NaOH कपल से करें या Al NaOH कपल से करें तो यहाँ पे क्या आता है, RH आता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑर्गेनिक का था, नाइट्राइट सॉल्ट हो मतलब NO2 माइनस एनायन बेसिकली, या नाइट्रेट सॉल्ट, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जिंक NaOH के साथ करें या इसे Al NaOH के साथ करें, दोनों ही रिड्यूस होकर बनाते हैं अमोनिया, ठीक है। तो बेटे देखिए एक्शन ऑफ NaOH मैंने आपको भाई मतलब एसिडिक ऑक्साइड के साथ बताया, ऑर्डिनरी मिक्स्ड और भाई H2O के प्रेजेंस में, फिर एम्फोट्रिक के साथ बताया भाई, उसके बाद मेटल के साथ बताया, ठीक है। NaOH का जनरल रिएक्शंस इतने ही पढ़ेंगे हम। अब हम भाई करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ Na2CO3, दिस इज ऑल्सो कॉमन रिएजेंट विच इज यूज Na2CO3 ऑन सॉल्ट्स, और भाई Na2CO3 लेने। हाँ भाई बोलो सर, ये NO2 माइनस सॉल्ट लाइक इट डजंट लाइक दैट के Al के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्या बोथ रिएक्ट, और ये आई मीन NO2 माइनस सॉल्ट विल रिएक्ट विद बोथ रिएजेंट्स टू फॉर्म NH3 राइट? अभी तो दोनों लिखे हैं यार, थोड़ा कॉमन सेंस पकड़ के लाओ नहीं मतलब लाइक ओ बस सर है ना, कहीं दुकान देखो आसपास होगी जरूर, स्टेशन के पास ज्यादातर मिलती है मैंने सुना है कॉमन। देखिए साहब, तो एक्शन ऑफ Na2CO3 ऑन सॉल्ट्स हम देख रहे हैं, पहले मैं NaHCO3 डिस्कस कर रहा हूँ। NaHCO3 बताइए भाई, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है एसिडिक की बेसिक?
बेसिक बेसिक एसिडिक वाला कोई नहीं है। ठीक है, देखिए NaHCO3 जो होता है भाई ये एसिडिक सॉल्ट होता है, लेकिन भाई एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। और बेटे इसका रीजन क्या होता है बताएंगे जल्दी से, कम ऑन यार, आयनिक पढ़ा है तुमने भाई लोगों, इसका सॉल्यूशन में तब डिसोसिएट कर। कोई बात नहीं, आप मत बताइए। देखिए KH जो होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एक्चुअली वो सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2CO3 से ज्यादा होता है, तो इसीलिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से ये बेसिक हो जाता है, बात समझ रहे हैं, H का आयनाइजेशन कम होता है। और NHCO3 के बारे में भाई एक और बात, थर्मली अनस्टेबल होता है, मतलब हीट करने पे डिकम्पोज होता है। और मतलब ये सभी ऑल बाइकार्बोनेट्स, मतलब मैं बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स अगर हीट करें तो क्या होता है, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए मुझे बताना है Na2CO3, बट फॉर सम रीजन मैं थोड़ा NaHCO3 का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ पहले, क्योंकि वो यूज करेंगे, और फिर मैं Na2CO3 और सॉल्ट में आऊंगा। बट पहले कॉपी करिए ऊपर वाला, फिर मैं नीचे वाला दिखा दूंगा। डन सर। एक डाउट सर, ये KH greater than K2H2CO3 ये कैसे हुआ, मतलब सर KH क्या है इधर? अबे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यार, विशाल जैन का नाम खराब कर। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। विशाल जैन बहुत गालियां देगा तेरे को। डन सर, तो इससे KH बड़ा होने से फर्क क्या पड़ा है उस पे सर, डिसोसिएशन ऑफ H पे? रेफर टू आयनिक इक्विलिब्रिया भाई, हाइड्रोलिसिस हुई ना, हाइड्रोलिसिस ज्यादा हुई, आयनेशन नहीं हुआ ऐसा कह रहे हम। अच्छा अब देखिए साहब, ये बताइए Na2CO3 और Na, मतलब Na2CO3 भी बेसिक होता है, मतलब मैं आपको पता ही होगा, मैं भी बोल देता हूँ, तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। Na2CO3 वर्सेस NaHCO3, इसके तीन सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन बहुत आसान है, एक थोड़ा सा बेटर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कोई बच्चा तीनों बता दे तो मजा आ जाए। एनीवन हु कैन आंसर विच इज मोर बेसिक एंड वाई? Like three solutions, you have to give me like solution also, not just the answer. Na2CO3 is ज़्यादा basic basic salt है। Sir, Na2CO3 is ज़्यादा basic है क्योंकि उसमें replaceable hydrogen ही नहीं है। Replaceable hydrogen नहीं है। और कोई साथ? CO3 two minus सिर्फ anion है, hydrolysis जगह का वरास वो amphoteric है, तो फिर वो थोड़ा dissociate भी हो सकता है, थोड़ा basic भी बना सकता। अच्छा अच्छा, और कुछ? देखिए भाई, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, HO माइनस RO माइनस, आपने GOCR पढ़ी है लेकिन आप अप्लाई ही नहीं करते हैं GOCR से। देखिए साहब, H2O, ROH, RSH, H2S लेना चाहता था मैं, RSH, HX, HA। भाई HO माइनस H2O ज़्यादा बेसिक कौन है? ये है। RO माइनस ROH ज्यादा बेसिक कौन है? RO माइनस है। HS माइनस H2S ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, कुल मिला के कोई भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस उससे ज्यादा बेसिक होगा। दिस इज डेफिनेटली मतलब कॉमन सेंस। और अब देखिए सॉल्यूशन वन, तो सिंपली आपको ये कहना था कि कार्बोनेट जो है वो बाई कार्बोनेट का कॉन्जुगेट बेस है। दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ भाई बाई कार्बोनेट, तो इसका मतलब भाई कॉन्जुगेट बेस हमेशा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, ये इस तरह से हो जाएगी। बात समझिए, दिस इज सॉल्यूशन वन। अच्छा अब आते हैं सॉल्यूशन टू पे। ये मतलब ये तो बहुत ही चिंदी बात थी, ठीक है, मतलब इसमें तो कुछ था नहीं। यार देखिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं दिया किसी ने, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। लोग बोल रहे थे सॉल्यूशन, लेकिन ठीक ठाक देखिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो ये चीज, ये नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखेंगे, ये कैसे इसका स्टेबलाइजेशन देखेंगे, ये कैसे डीलोकलाइज होगा, ये ऐसे डीलोकलाइज होगा, गेटिंग इट? लेकिन भाई आप ये समझिए, यहाँ पे HO के जो लोन पेयर हैं
ये क्या होगा, ये इसे क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है, आप समझ रहे, क्रॉस कर रहा है इसको कॉन्जुगेशन को, तो यहाँ पे ये जो होगा वो इसको क्रॉस कर रहा है, गेटिंग इट, मैं लिख देता हूँ भाई, क्रॉसिंग पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन और डिक्रीजिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव, जनता कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब ये देखिए भाई, मतलब प्लस आर इफेक्ट अगर हम बात करें, प्लस आर इफेक्ट वो ओ एच और ओ माइनस किसका ज्यादा होता है बेटे, भाई ओ माइनस का ज्यादा होता है, है ना, तो बेटे ये क्या होगा, ज्यादा क्रॉस होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज लेस डीलोकलाइज्ड एंड दिस इज, मतलब उससे तो ज्यादा ही है कम से कम, दिस इज मोर डीलोकलाइज्ड, तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, ये हो गई। ये दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन मैं और दूंगा बेटे, पहले से कॉपी कर लीजिए, ऊपर लिखा है Na2CO3 वर्सेस NaHCO3 सिर्फ। So that is pi sigma negative conjugation on decreasing. और है भाई, और है वो। और ओके सर। एक बार इस सेकंड सॉल्यूशन के बताएंगे वो मोर लोकलाइजिंग कैसे और लेस डीलोकलाइजिंग कैसे है बेटे, ये बताएंगे, इससे पहले मैं क्या बता रहा था, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया, तो ये प्लस आर इफेक्ट इसका ज्यादा है, तो ये इसको ज्यादा अपोज कर रहा है, तो ये कम डीलोकलाइज हो रहा है, जीओसी पढ़िए। अच्छा ओके सर, गॉट इट। तुझे जीओसी भी पढ़नी पड़ेगी, तेरे को आयनिक भी पढ़ना पड़ेगा, तेरी तो जिंदगी बेचारी है पढ़ने में निकलने वाली है। साथियों जल्दी जल्दी, वन मिनट वेट सर, वेट सर, आई एम वेटिंग बट यू ऑल्सो प्लीज मेक इट फास्ट। चिंता कर लिए क्या? यस सर। भाई करने के बाद बोल दिया करो अगर आपके वेट कर रहे तो, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा अभी भी? देखिए साहब बेटे, आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा ढंग से पढ़िए, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों में, सिर्फ फिजिकल में नहीं। HCO3 माइनस हाइड्रोलिसिस से बेसिक हो रहा है, तो किसी ने हाइड्रोलिसिस देखी ही नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। तो एनीवेज क्या होगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 डिकम्पोज जाएगा इसमें और OH माइनस, इसको मैं A बोल देता हूँ, और भाई कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस भाई ये B बोल देता हूँ इसको, यहाँ पे HCO3 माइनस और HO माइनस आएगा। अब ये देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका, अगर आप देखें रिवर्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट आयनेशन हो रहा है H2CO3 का, तो ये 1 अपॉन K1 H2CO3 पर डिपेंड करेगा। KB अगर हम देखें तो रिवर्स में क्या हो रहा है, सेकंड आयनेशन हो रहा है, तो ये 1 अपॉन K2 ऑफ H2CO3 पर डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है किसी भी एसिड का भाई K1 क्या होता है, ज्यादा होता है K2 से, तो इसका मतलब भाई के ए जो होगा वो कम होगा, के बी जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका मतलब ओ एच माइनस आयन भाई कंसेंट्रेशन इन एन ए टू सी ओ थ्री एक्वस एट इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एच ओ माइनस भाई आयन कंसेंट्रेशन इन एन ए एच सी ओ थ्री एक्वस। और इसीलिए देखिए भाई एन ए टू सी ओ थ्री जो होता है वो एक्वस गिव्स पिंक कलर
with phenolphthalein और भाई NaHCO3 aqueous है तो इसकी भी aqueous solution basic but it gives it do not give pink color with phenolphthalein. साथियों और हाथियों कॉपी कर लीजिए. मतलब हम ये भी कह सकते थे कि हाइड्रोलिसिस कार्बोनेट में क्या होगा, दो दो एंड से होगी, बाइकार्बोनेट में एक एंड से होगी तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, ऐसा भी बोल सकते थे, बट ये थोड़ा एलिगेंट सॉल्यूशन मैंने देखा. अच्छा बाटी डन सर. सो व्हाट्स द रीजन फॉर NaHCO3 टू नॉट गिव पिंक कलर लाइक इट्स बेसिक स्टिल डजंट गो. बेटा आप क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. सो लाइक NaHCO3 इज इट क्लियर नाउ? या NaHCO3 डजंट गिव पिंक कलर विद फेनोफ्थलीन लाइक सो व्हाट्स द रीजन फॉर इट? क्या बात है, आपका नाम क्या है? जय भाई. जय हम ये कह रहे ना कम बेसिक रिएक्शन ही नहीं होता कम बेसिक. हां सो हां सो ये तो चल रहा है यार. हां भाई हो गया होगा, सबने कर लिया होगा. ठीक है तो अब देखिए मुद्दे पे आते हैं भाई. रिएक्शन विद सॉल्ट्स और इसमें केसेस होते हैं. केस वन भाई Na2CO3 प्लस सॉल्ट हैविंग भाई लो पोलराइजिंग पावर कैटायन. और देखिए लो पोलराइजिंग पावर कैटायन के साथ कुछ भी नहीं है, सिंपल भाई आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है. जैसे कि Na2CO3 प्लस KCl ले लें या CaCl2 ले लें, सिंपल रिएक्शन है सारी है भाई. यहाँ पे K2CO3 प्लस NaCl सब में आएगा, साथ में लिख देंगे CaCO3 SrCO3 BaCO3 और भाई NaCl, ठीक है सब में. और ये सारे वाइट है W वाइट. केस टू Na2CO3 प्लस सॉल्ट हैविंग मॉडरेटली हाई पीपी कैटायन. और मैं समझाऊंगा नेक्स्ट पे, मतलब अभी तो लिखता हूँ तो आप कॉपी कर दीजिए साथ साथ भाई. यहाँ पे बेसिक कार्बोनेट मिलता है, बेसिक कार्बोनेट मतलब MCO3.MOH होल प्राइस और ये करिए जल्दी से. सो उन सारे पीपीटीज के नीचे आपने W क्या लिखा है, सोचिए क्या हो सकता है? वाइट पीपीटी. जीनियस ऑफ somebody please give him Nobel Prize in chemistry. So weak acid not W. क्या है weak? Weak acid not W. Weak acid देखिए calcium carbonate acid बना रहा है, इसको तो double Nobel मिलना चाहिए. Twice sorry. आपको दो Nobel मिलने चाहिए बेटा एक ही साल में minimum, नहीं तो बहुत गलत है, injustice है फिर वो. जनता यस
कर लो बेटा, कर लो जल्दी से। व्हाइट होगा बोला भी मैंने लिखते हुए, लेकिन भाई लोग सुनते थोड़ी है। नहीं सर वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम बारिश कर रही है ना। भाई व्हाइट है यार, थोड़ा कॉमन सेंस। मैंने कहा ना स्टेशन के पास मिलता है, दादर स्टेशन के पास मैंने सुना है दुकान है। सर किधर सर? दादर स्टेशन के पास वेस्ट में मैंने सुना है दुकान है कॉमन सेंस की, क्रिप्टो करेंसी में मिलता है लेकिन खरीद ला सर। लेकिन वो तो क्रिप्टो करेंसी तो ऑनलाइन ही मिलता है ना सर, ऑनलाइन भी मिलने लगता है। हां मिलता है, तू जा तेरे को देख के ही समझ जाएगा वो, तेरे को पकड़ लेगा। तू सामने से जाएगा ना उसकी दुकान के, तेरे को झपट लेगा वैसे कि तू तो आ जा। तेरे को फ्री में देगा। सॉरी सर, सॉरी सर। फ्री में नहीं जा। नॉट एन इशू। वही कर लिया, कॉपी कर लिया। यस सर। यस सर। साथियों तो वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, बट सीरियस भी हूँ थोड़ा। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, मजाक करते हैं। मतलब doesn't matter। हाँ मतलब माहौल हल्का होता है। माहौल हल्का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। गुड फॉर हेल्थ। अरे बाप रे, तुझे तो बायोलॉजी में भी नोबेल प्राइज मिलेगा मुझे लग रहा है। नहीं सर वो ब्रदर डॉक्टर है ना, तो सर वो देखते रहता था, उसमें बुक में लिखा होता था उसके। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे, वाओ चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए लेट अस कट कट द क्रैप। तो भाई अब इसमें क्या है कि मतलब जब थोड़ा मॉडरेटली हाई पीपी कटा है ना बेटे, मैं थोड़ा आयनिक क्रीम यूज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, दोनों चीजें होंगी यहाँ पे भाई, आयन एक्सचेंज भी होता है और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, MgCO3.MgOH2 का ये व्हाइट पीपीटी। मैं दोबारा W लिखूंगा, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है क्या है W। और CuCO3.CuOH यहाँ पे ये मिलता है, ये ग्रीन पीपीटी होता है। और इसको बेटे रस्ट ऑफ कॉपर भी बोलते हैं। कॉपर की चीजों पे आपने जरूर देखा होगा भाई, होता ही नहीं है तो हम कर देंगे चैतन्य, बायोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं होता तो भाई के लिए, हम भाई के लिए नया करेंगे ना चालू, इसमें क्या हो गया। तो एनीवेज भाई ये ZnCO3.ZnOH2 देखिए, मतलब सभी में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज भी हो रहा है और हाइड्रोलिसिस भी हो रही है कैटायन की। यहाँ पे PbCO3 ये W सोचना है हमें क्या है, ये भी वाइट। और यहाँ पे HgCO3.HgO मिलता है और ये रेड PPT होता है। मतलब हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई Hg का पोलराइजिंग पावर और ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे वाटर के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और क्या मिला, HgCO3.HgO। अब देखिए मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए बताया था कि इन्हीं सॉल्ट्स में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करें MgCl2 भाई कॉपर सल्फेट जिंक क्लोराइड लेड एसिटेट, तो बस इतना ही है कि जो बेसिक पार्ट आ रहा है ना MOH2 का, ये एसिडिक एच उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, MgCO3 CuCO3 भाई ZnCO3 और भाई PbCO3 और HgCO3 आएगा। तो Na2CO3 के साथ बेसिक कार्बोनेट आया बट NaHCO3 के साथ नॉर्मल कार्बोनेट आया। बेटे कॉपी कर दीजिए, और ये वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। ओके सर।
सर एक बार NaHCO3 वाला केस समझा देंगे, उसमें क्यों क्या हो रहा है? भाई कार्बोनेट है, सिमिलर चीज हो रही है, एसिडिक एच है, तो वो इस बेसिक पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके सर, ओके सर। सर Na2CO3 प्लस HgCl2 में हमें HgO क्यों मिला डॉट में, मतलब बाकी समय OH बोलता है इसमें? भाई मैंने बताया कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से वाटर के दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा, हाइड्रोलिसिस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, है ना? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आयनिक इक्वेशन में एक बार सभी लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि बेटे बहुत यूज होगा, आयनिक मतलब इनऑर्गेनिक भी यूज होगा, ऑर्गेनिक भी होगा। बच्चों डन है? यस सर। 30 सेकंड। डन सर। सर मुझे एक डाउट है, मैं आपने ZnCr लिखा है, फिर Zn क्या लिखा है सर वो? ZnCr ZnCl2। ओके नहीं सर, सेकंड वाले उसमें ऊपर का ZnCl2 नहीं है, NaCH3 के साथ क्या लिखा है वहां पे? That only is ZnCl2. वो Na2CO3, NaNCO3 के साथ क्या है थर्ड वाले उसमें? हाँ even that ZnCl2. वो भी ZnCl2 ही है। I'm so sorry then. इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। नहीं सर, डिसलेक्सिया सर पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। I'm very sorry बेटा, I'm very sorry. तू पहले बोल रहा था, मैं तेरे को ऐसे I'm very sorry. Not an issue. बेटा आपका नाम क्या है? सर चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य आई विल टेक केयर ऑफ यू, नो प्रॉब्लम यार, है ना? मैं तो मजाक कर रहा था तेरे से। सर वो OH पार्ट H से न्यूट्रलाइज हो रहा है ना फिर NaHCO3 में? बच्चों कर लिया क्या? यस सर। यस केस थ्री देखिए सर, Na2CO3 प्लस सॉल्ट हैविंग हाई पीपी कैटायन, तो अब देखिए आप इसको बताऊंगा, पहले समझिए M प्लस X है, कोई कार्बोनेट एनायन है ना, तो आपको पता होगा कार्बोनेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, तीन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं, और अब अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ M प्लस X ज्यादा होगा तो बेटे ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ होल्ड करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? Yes, और ऐसे में भाई हम कह सकते हैं इसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट एनायन ये क्या होगा, कम हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? और ये कम होगा तो स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट ये क्या होगा, कम हो जाएगा, करेंगे तो बेटे देखिए होगा क्या कि अगर ये पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो ये इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मेटल का ऑक्साइड भाई M2OX जो भी है और CO2 इवॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मतलब भाई हाई पीपी कैटायंस जो होते हैं भाई इनके कार्बोनेट्स दे आर अनस्टेबल एंड दे डिकम्पोजेस टू गिव दे ऑक्साइड, या ऑक्साइड लिखा जितने और हाइड्रोक्साइड व्हेनेवर दे आर फॉर्म्ड, मतलब मोस्टली हाइड्रोक्साइड ही मिलता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, व्हेनेवर दे आर फॉर्म्ड। तो बेटे देखिए Na2CO3 प्लस सॉल्ट हैविंग हाई पीपी कैटायन क्या आएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड
प्लस CO2 H2O ये सब तो जल ही जीवन है, ये सब आता रहता है, गेटिंग इट। तो मैं एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा भाई। पहले मैंने समझाया कि देखिए लो बीपी के साथ क्या हुआ, आयन एक्सचेंज, मॉडरेटली हाई के साथ क्या हुआ भाई, दोनों चीज हाइड्रोलिसिस भी हुई थोड़ी, और भाई हाई बीपी के साथ सिर्फ हाइड्रोलिसिस होगी, कार्बोनेट स्टेबल ही नहीं होगा, कार्बोनेट बनेगा तो डिकम्पोज जाएगा। बच्चों तो एक बार वापस बताएंगे वो M plus X जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम क्यों होगी? क्योंकि इसी से रेजोनेंस हो रहा ना भाई, यही रेजोनेंस में जा रहा है, इसी से रेजोनेंस हो रहा है, यही रेजोनेंस में जा रहा है। अच्छा तो ये पूरा वो को अपनी तरफ खींच रहा है, डिस्टॉर्ट करता ना आयन को बेटे। हां सर, ओके सर, गॉट इट। मैं प्रेशर बनाया था तो आपने बच्चों किसी ने एक एक्स्ट्रा क्लास रख दे क्या आपकी? इक्वल हो जाओगे आप फ्लैगशिप से? सर आफ्टर एमटी रख देंगे क्योंकि लाइक 10 दिन में एमटी भी है। एमटी कब है सर? 10 अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक सर। यार एक दो घंटे की क्लास ही कर रहा मैं तो। हां सर कभी भी रख लो, ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि एमटी तो भाई 10 दिन बाद है ना, तो 10 दिन तक अपना लैग चलेगा ना यार, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं। Sir, your normal lectures are there, those only, sir. But extra lectures, please don't keep because we have homework also to be completed for MT. अच्छा, बेटे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, आपको बता रहा था कि extra lecture होगा, ठीक है? Sir, लगा ही था ही। सर ऐसी चीजों में टीचर्स रात को अच्छे कर सकते हो। टॉपिक कर लिया? Yes, sir. एक सेकंड, हो सके तो वेडनेसडे को रखो। हो सके तो वेडनेसडे रखें। सजेशन सर मोस्ट वेलकम। नो सर वेडनेसडे सर लाइक वी हैव कॉलेज ऑन वेडनेसडे पीडब्ल्यूडी के बाद। हां सर ट्यूसडे थर्सडे को रख सकते हैं, रात ट्यूसडे को रखेंगे, वो लेक्चर 30 मिनट तक खत्म हो जाएगा। यस सर फाइन, जैसे भी रखो रात को रखो प्लीज, फ्रेश हो। हां 7:30 टू 9:30 ऐसा रखेंगे ना यार, जिससे कि कोई कॉलेज ना हो कुछ, है ना? सो बट वेडनेसडे को वो टाइम पर भी डाउट लेक्चर्स रहते हैं। डाउट लेक्चर है ना? हां सर, ट्यूसडे या थर्सडे को रख दीजिए। 1 बजे के बाद द लेट नाइट 11 अप टू 12 ओक्लॉक। सजेशंस आर नो मोर वेलकम, थैंक यू। देखिए राम, अब Na2CO, अच्छा मैं वो के बताने लगा, अभी एग्जांपल देने थे। देखिए Na2CO3 + AlCl3 + FeCl3 बहुत है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, AlOH होल थ्राइस प्लस अब NaCl CO2 ये सब आता रहेगा, इससे कुछ नहीं है, ये वाइट है। FeOH होल थ्राइस, ये क्या था, रेडिश ब्राउन, और चंगुमंगु प्रोडक्ट्स आ जाएंगे साइड में। CrOH होल थ्राइस प्लस चंगुमंगु प्रोडक्ट्स, ये ग्रीन है, गेटिंग इट। तो भाई मैंने Na2CO3 की रिएक्शंस कराई, और बेटे मतलब एक और लीचिंग प्रोसेस होता है, मतलब जिसमें Na2CO3 यूज हो रहा होता है, एक्चुअली हॉल्स प्रोसेस बोलते हैं। हॉल्स प्रोसेस में एक हॉल हेराल्ड इलेक्ट्रोलिसिस है, वो अलग चीज है, मतलब मैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर ही बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो अ लीचिंग प्रोसेस भाई। तो सेम है, मतलब ऑलमोस्ट बेयर से, इसमें Al2O3 ओर प्लस Fe2O3 भाई इम्प्योरिटी, और भाई AlOH होल थ्राइस आएगा, और FeOH होल थ्राइस आएगा, रेडिश ब्राउन, ये वाइट, और ये एम्फोट्रिक है
तो ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा NaAlO2, और ये क्या करेंगे सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिर दोबारा H+ AlOH होल थ्राइस, और इसको हीट किया तो Al2O3 ये क्या आ गया, प्यूरिफाइड आ गया। और मतलब ये हॉल्स प्रोसेस एक्चुअली इसलिए फेवर होता है बेयर से क्योंकि इकोनॉमिकल होता है, मतलब बहुत बकवास सी चीज है, जे में कभी ऐसी चीजें पूछते नहीं है। Na2CO3 इज अ चीपर केमिकल देन NaOH एक्चुअली। तो देखिए हमने सोडियम कार्बोनेट की भाई रिएक्शंस करी, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम सॉलिबिलिटी की तरफ जाएंगे। लिख लीजिए बेटा सॉलिबिलिटी को। Yes, बोलिए सर। वो पीपीटी बनने के बाद हमने फिर से Na2CO3 से रिएक्ट क्यों किया, लाइक वापस एंड में हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है। तो बेटा इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, मतलब ये अब ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, सेपरेट हो जाएगा। सर ओके बेटा। सर अगर ये और बेस प्रोसेस सेम है तो फिर इसको अलग नाम क्यों दिया है, डिफरेंस क्या दोनों में भाई? क्या नाम है आपका? सर हर्षल। हर्षल मेरे दोस्त, उसमें NaOH यूज हो रहा था, इसमें Na2CO3 हो रहा है, सिमिलर है, सेम मतलब। सॉरी सर, थोड़ा सा कॉमन सेंस ला बेटा प्लीज। तू भी सॉरी सर, मैं भूल गया था। नॉट एन इशू बेटा, याद रखिए NaOH एंड Na2CO3 आर डिफरेंट। तो प्यूरिफाइड वाले पहले स्टेप के इधर हीट है ना ऊपर। ओके बेटे। सर साथी एक चीज पूछना था सर, आप क्लास से पहले ही नोट्स भेज सकते हैं तो हम लोग पहले से ही लिख के रख लेंगे, तो फिर क्लास में आसान होगा। थैंक यू फॉर सजेशन, मुझे पता है कि अखिल ऐसा करता है, बट जिससे अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये आपको अभी पता नहीं लगेगा, ये आपको बाद में पता लगेगा कि आपको मतलब वो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा मतलब बहुत ज्यादा। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, आई विल नॉट टेक इट। सॉरी सर। मैं तो तुम्हें प्रिंटेड, मैं ये सारा प्रिंट करा के भी दे सकता हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे नोट्स बांट दूंगा तो आपको क्लास का क्या फायदा होगा, मतलब फिर मेरा रोल क्या है? मतलब मैं तो बस आपको नोट्स दे दूंगा, वो कहानी चल रही होगी, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और आपको धीरे धीरे पता लगेगा चीजें याद भी नहीं हो रही, मतलब कोलैटरल डैमेज है उससे। बच्चों यस यस सर, लास्ट रिएक्शन में हीट है ना, और ट्रायंगल है ना। हाँ भाई, ट्रायंगल मतलब हीट होता है, बहुत बढ़िया। अब भाई बताइए सॉलिबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो यार ये बताओ कि मतलब लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो सॉल्ट क्या होगा, सॉलिबल होगा कि इनसॉलिबल होगा? इनसॉलिबल। नाम बेटे ये गलत है, मतलब कैसे गलत है, यही बात हम करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो देखिए कोई भी डिसोल्यूशन अगर मैं ले लूं ए बी सॉलिड से, ए प्लस एक्वस, और अब ये चीज आपको विशाल जैन ने वैसे थोड़ी बहुत कराई होगी सॉलिबिलिटी, मतलब थोड़ी बहुत ही कराई होगी क्योंकि मतलब मैं तो काफी ज्यादा कराऊंगा, और उन्होंने ना मतलब तुम्हें मैथमेटिकली कराई है, मतलब है ना, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो मतलब आई नो व्हाट ही टीचेस, लाइक कैसे पढ़ाता है वो, क्या पढ़ाता है, सब कुछ पता है वो, तो मतलब वो मैथमेटिकली बताता है, मैं एनालिटिकली बताऊंगा, है ना। तो एनी वेज ए बी सॉलिड से ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस जा रहे हैं, डेल्टा एच डिसोल्यूशन, मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, डी आई डबल एस छोड़ दूंगा इससे। तो डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या होगा, लैटिस एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और हाइड्रेशन एनर्जी, यू लैटिस एनर्जी का सिंबल होता है बेटे, ये अब्सॉर्ब होगी और ये हाइड्रेशन एनर्जी है, जाहिर सी बात है एच ई, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ कोई ही मैन ना समझ लें। तो लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, है ना, ये डेल्टा एच हो गया। अच्छा डेल्टा एस डिसोल्यूशन क्या होगा बेटे, पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी से बताइए, बहुत आसान बात है। डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि भाई रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंट्रोपी क्या हो रही है, सिस्टम की बढ़ रही है डिसोल्यूशन में, डिसोसिएशन से एंट्रोपी बढ़ती है, एसोसिएशन से एंट्रोपी घटती है, गेटिंग इट।
तो अब भाई डेल्टा जी डिसोल्यूशन जो होगा भाई वो क्या होगा, डेल्टा एच डिसोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस डिसोल्यूशन, राइट। और अब देखिए साहब केस वन देखते हैं, डेल्टा एच डिसोल्यूशन लेस देन जीरो, मतलब यू माइनस एच ई इज भाई लेस देन जीरो, यू इज लेस देन एच ई, ठीक है। अब एक बात देखिए बेटे, ये नेगेटिव हो गया, ये टर्म पॉजिटिव था, तो ऐसे में डेल्टा जी डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा बच्चा बाटी, और इसका मतलब सॉल्ट विल बी भाई सॉल्युबल, गेटिंग इट एट ऑल टेम्परेचर, गेटिंग इट सॉल्ट क्या होगा सॉल्युबल हो गया। तो अब देखिए अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबल होता है, ये बात सही है, लेकिन लैटिस ज्यादा है तो इनसॉल्युबल होगा, ये बात हमेशा सही नहीं होती, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बता पाऊंगा, इसमें अगर कुछ दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज जल्दी से। तो लास्ट वाले पॉइंट का रीजनिंग देंगे कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो सॉल्युबल नहीं होगा, भाई मैंने कहा अगले पेज पे बताऊंगा, शायद आप सुन नहीं पाए। ओके सर। Done, sir. Wait, sir. Wait. Jaldi kari bhai. Done, sir. Yes. अब देखिए साहब भाई अगर हम केस टू देखते हैं तो डेल्टा एच डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, यू माइनस एच ई इज ग्रेटर देन जीरो, यू इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब देखिए इसमें एक्चुअली दो केस बनते हैं, मतलब केस टू ए भाई। अच्छा एक बात बताइए, प्लम्बो सॉल्वेंसी सुना है कभी? Have you heard of प्लम्बो सॉल्वेंसी ever? No sir. No sir. No sir. अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो anyways मतलब भाई यू ग्रेटर देन एच ई हमने लिया, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अब केस टू ए कि जब डेल्टा एच डिसोसिएशन का मॉडुलस जो है वो टी डेल्टा एस डिसोल्यूशन से ज्यादा है, तो अब ऐसे में डेल्टा जी डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मतलब भाई सॉल्ट विल बी भाई इनसॉल्युबल, गेटिंग इट। कोई दुग्धर क्लियर है? तो मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि डेल्टा जी से हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या बात है, आपने थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना है? यस सर। तो आपने ये नहीं पढ़ा कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो मतलब एक चेंज फीजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा सुना है आपने? सो वो स्पॉन्टेनियटी वाला किया था, सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाला नहीं समझ रहा हूं। कोई भी प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होता है भाई, मतलब है ना, कैसी बातें कर रहे हो, एज बॉन्डिंग हो चाहे दुनिया की कोई भी प्रोसेस अगर है दो केमिकल प्रोसेस तो डेल्टा जी लगेगा उसमें, समझे बेटा? ओके okay, सर। हाँ भाई जान लीजिए। तो अब देखिए दूसरा केस क्या बनेगा, डेल्टा जी डिसोल्यूशन भाई ये ज्यादा हो जाए, तो अब इसमें क्या होगा, डेल्टा जी डिसोल्यूशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और भाई सॉल्ट विल बी सॉल्युबल। तो देखिए मतलब जो भाई अभी ये बच्चा जो हमारा अभी बोल रहा था वो कह रहा था कि मतलब कि कब लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से कब डिसॉल्व हो सकता है, तो देखिए ये केस है ऐसे में डिसॉल्व हो सकता है। एनीवेज अब देखिए मतलब प्लम्बो सॉल्वेंसी का मैंने मेंशन किया तो मैं प्लम्बो सॉल्वेंसी पे नोट भी लिखवाऊंगा। फिर प्लम्बो सॉल्वेंसी क्या होती है, लेड का या लेड के इनसॉल्युबल कंपाउंड्स का डिसोल्यूशन इन हॉट वाटर इज नोन एज प्लम्बो सॉल्वेंसी। एक काम करिए पहले कॉपी करिए फिर मैं प्लम्बो सॉल्वेंसी क्या होती है, और देखिए एक बात और सुनिए, चलिए पहले बता देता हूँ समझा देता हूँ कि कभी भी अगर कभी आपको ऐसे मिले कि भाई
कोल्ड वाटर में कोई चीज सोल्यूबल नहीं है और हॉट वाटर में हो गई, जैसे लेड के कंपाउंड भी हैं, लेड भी है, तो बेटे हमेशा मतलब ये क्यों होगा, मतलब रिवर्सल ऑफ इनइक्वालिटी। आप ये समझिए यहाँ पे डेल्टा जी डिसोल्यूशन पॉजिटिव है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो एक टेम्परेचर पे ये इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, और जैसे ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी भाई डेल्टा जी डिसोल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा और सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बच्चे बाटी कॉपी करिए फिर मैं लिखवाऊंगा। डन सर। एक सिस्टम मेरे सर। हाँ डन सर। यस पार्टिकल्स हो गया, ज्यादा नहीं है लिखने को, कम है। Yes, sir. Okay, बच्चों, तो बच्चों वो लिख लीजिए पहले कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ लेड, डिसोल्यूशन ऑफ लेड और इट्स इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, ये एंड इट्स इनसॉल्युबल कंपाउंड्स इन हॉट वाटर is known as Plumbo solvency. So can you repeat the statement? Dissolution of lead and its compounds in hot water is known as Plumbo solvency. ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मतलब आपने भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया होगा मिस्टर पांडे ने आपको, तो उसमें भी बेटे मर्क्यूरिक एसिडेट जो होता है ना वो वाटर में, हॉट वाटर में ही डिसॉल्व होता है, वहां पे भी मतलब ये कंडीशन होती है कि रिएक्शन डजंट टेक प्लेस इन कोल्ड वाटर। तो एनीवेज मतलब वो वहां पे नहीं बताया गया होगा, मैं बता रहा हूँ। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू एसिटेट्स ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू एसिटेट्स ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी सर बट कुड यू प्लीज रिपीट दिस पॉइंट। सिल्वर एसिटेट और मर्क्यूरी के एसिटेट्स में प्रॉपर्टी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लंबो सॉल्वेंसी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ Plumbo solvency can be explained on the basis of reversal of inequality between T delta S and delta H. और ये इतना ही लिखना है। अच्छा एक एक्सेप्शन है, मतलब ये रट्टा ही मारना इसका, तो PbSO4 Plumbo solvency नहीं दिखाता, मतलब ये do not dissolve in hot water, insoluble इन हॉट वाटर। और मैंने बताया था आपको कि जितने भी सल्फेट हैं वो कॉन्क H2SO4 में सोल्युबल होते हैं, तो सोल्युबल इन कॉन्क H2SO4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbHSO4 ट्वाइस। So is the reason for PbSO4 to not show like its lattice energy is very high? Reason नहीं है, मतलब ना इसमें ऐसा नहीं होता, बस यही reason है, मतलब inequality reverse नहीं होती, बस इतना ही। Okay sir। बच्चों कर लिया, ये इतना ही लिखना था बाद में।
सर बट थर्मोडायनेमिक्स के लॉ तो बहुत फंडामेंटल है ना, तो हर सॉल्ट को सॉल्युबल होना चाहिए ना किसी ना किसी टेम्परेचर पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। एक बात सुनो, थोड़ा सा कॉमन सेंस फिर दोबारा हम लगाते हैं कि वाटर सॉल्युबिलिटी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं देख सकते आप, कि आप 800 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। यस सर, बात सुन रहे बच्चे। यस सर, सॉरी, नॉलेज नहीं इशू बेटे, कोई बात नहीं, कर लिया। यस, चलिए। हाँ अच्छा, अब देखिए, मतलब कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि लेड पॉइजनिंग हो गई किसी को। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में भाई प्री इंडिपेंडेंस जो वाटर पाइप्स थे वो ज्यादातर लेड के थे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वो बहुत मतलब ऐसे चेंज करेगा इंटेंसिवली, बहुत लोग मरते थे लेड पॉइजनिंग से। तो लेड पॉइजनिंग में पूछ लेते हैं कि एंटीडोट क्या देंगे, मतलब ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो बेटे मैं एक छोटी सी बात दिखाऊंगा, उसमें क्या करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो प्रेसिपिटेट बनाते लेड का उसको देते हैं। तो लिख लीजिएगा कि भाई इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग, इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग EDTA 4-, EDTA लिख दीजिएगा आप सर, EDTA और ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, precipitating agent of lead is taken mostly. So can you repeat it once? लेड पॉइजनिंग के केस में EDTA दिया जाता है या ऑक्सलेट दिया जाता है या कोई precipitating agent दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए भी। Could you translate it? Can you translate it? Yes, so oxalate या PPT या फिर EDTA, right sir? हाँ बेटे, precipitating agent देंगे या oxalate देंगे या EDTA देंगे, मतलब actually ये दोनों precipitating agent हैं। तो हम ऐसा कुछ दे रहे हैं बेटे कि PPT बन जाए और वो body waste के through, you know, potty and all, मतलब उसमें निकल जाए। EDTA -4 लिखना है कि सिर्फ EDTA लिखना? बेटे -4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ लोग इसे EDTA लिखते हैं, कुछ लोग टेक्निकली करेक्ट तो -4 है। अब देखिए भाई बेटे, अब मैं बोलूंगा, मतलब है ना सॉल्युबिलिटी फैक्ट्स लिखवाऊंगा। सॉल्युबिलिटी फैक्ट्स मतलब ऐसे 10-15 पॉइंट है कि मतलब ये सॉल्युबल है, वो सॉल्युबल नहीं है, ऐसा करके, है ना। तो जैसे कि मतलब भाई पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक साथ में बोलना शुरू करता हूँ। और ये फैक्ट्स मतलब धीरे धीरे याद करने की कोशिश करिएगा। बच्चों डन, लिख लीजिए भाई, ऑल फ्लोराइड्स एक्सेप्ट भाई एक मिनट रुक जाओ यार, क्या है, तो क्या लिखवा था मैं सॉल्युबिलिटी फैक्ट्स में, ऑल फ्लोराइड्स एक्सेप्ट MgF2, BaF2, भाई और तुम्हारा कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम एंड SRF2। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑल फ्लोराइड्स एक्सेप्ट MgF2, BaF2, CaF2 एंड SRF2 आर वाटर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट पॉइंट, LiF लिथियम फ्लोराइड इज वेरी स्लाइटली वाटर सॉल्युबल, और स्पेरिंगली सॉल्युबल भी लिख सकते हैं। LiF इज स्पेरिंगली सॉल्युबल आपने आईने के क्लियर में पढ़ा होगा टर्म। सर आप रिपीट कर सकते हैं बेटे, सारे फ्लोराइड सॉल्युबल होते हैं इनको छोड़कर, है ना। नहीं सर, आपने किसी का तो स्पेरिंग सॉल्युबल भी बोला था। LiF स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। अच्छा, अब देखिए एक बात,
भाई ऐसे पूछते हैं कि मतलब फ्लोराइड्स जो होते हैं वो कॉमनली ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, जबकि आयोडाइड्स क्या होते हैं भाई, कम सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो ज्यादा पीपीटी मिलते हैं. तो बेटा उसका रीजन क्या है? हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस. ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि भाई फ्लोराइड सॉल्ट्स आर मोस्टली, फ्लोराइड सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉल्युबल, फ्लोराइड सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉल्युबल while iodide salts are mostly insoluble, while iodide salts are mostly insoluble, due to higher hydration energy of F minus, due to higher hydration energy of F minus. ठीक है, नेक्स्ट भाई. अब सिमिलरली बच्चों ऑक्साइड जो होते हैं ना, ऑक्साइड ज्यादातर सोल्युबल होते हैं जबकि सल्फाइड ज्यादातर इनसोल्युबल होते हैं, वहां भी वही रीजन है. तो सिमिलर चीजें तो मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं. लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट. सिमिलरली, सिमिलरली ऑक्साइड्स आर मोस्टली सोल्युबल, oxides are mostly soluble while sulfides are mostly insoluble, while sulfide ide beta oxide ki baat kar raha hu, sulfide hi baat karenge. Okay sir. Sulfides are mostly insoluble again due to higher hydration energy of, again due to higher hydration energy of O minus 2, O minus 2. ठीक है, next point. नेक्स्ट पॉइंट लिखे फ्लोराइड लिखा था ना हमने, तो क्लोराइड पे आते हैं कि भाई ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट मैं लिख भी रहा हूं AgCl, एक्सेप्ट AgCl, Ag2Cl2, AgCl, Ag2Cl2, PbCl2, CuCl and AuCl. CuCl and AuCl. और सॉरी एक सेकंड, प्रीवियस पेज देखो सर. हाँ बेटे. Yes. Yes. Thank you. Thank you, बेटे. चलिए. अब ऐसे देखिए बेटे, SbOCl जो होता है ना, ये भी insoluble होता है. भाई ये orange होता है. BiOCl जो होता है, ये भी insoluble होता है. ये white. White के लिए मैं W लिख रहा हूँ हमेशा की तरह. ये भी वाइट बेटे. देखिए जब भी O या OH माइनस आ रहा है ना, मतलब O माइनस टू या OH माइनस, तो इनको बोलते हैं बेसिक क्लोराइड्स. तो ये बेसिक क्लोराइड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं. और बेटे हमेशा याद रखिएगा, मैं लिखवा भी दूंगा अभी बात, कि बेसिक सॉल्ट जो इनसॉल्युबल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में या कॉन्क एसिड में डिसॉल्व हो जाता है. मतलब अगर इसे कॉन्क HCl में रखेंगे तो क्या आएगा, SbCl3 आ जाएगा. इसको भी कॉन्क HCl, यहाँ पे BiCl3 आ जाएगा. कॉन्क HCl, यहाँ पे SnCl2 आ जाएगा. अब इसको अगर भाई वाटर डालेंगे तो वापस ही आ जाएगा, मतलब H2O, और भाई यहाँ पे डाइल्यूशन पे वापस ही आ जाएगा. इसको भी अगर H2O डालेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी H2 डालेंगे तो ये आ जाएगा. तो लिख दीजिए अलग से एक पॉइंट कि भाई बेसिक क्लोराइड्स ऑफ एंटीमनी, बिस्मथ एंड टिन
एंटीमनी बिस्मथ एंड टिन आर इनसॉल्युबल नेक्स्ट ये इसी में लिख दीजिए क्या बेटा क्या कह रहे हो सो लाइक बिफोर द नेक्स्ट पॉइंट शुड बी कॉपी द रिएक्शंस फर्स्ट राइट या या मतलब आई विल गिव यू टाइम जस्ट अ मिनट लेट मी कंप्लीट तो आई वाज सेइंग कि क्या मैंने बोला स्टेटमेंट लास्ट एक बताइए बेसिक क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल हां बेसिक ऑफ एंटीमनी बिस्मथ एंड राइट बेसिक क्लोराइड्स ऑफ एंटीमनी बिस्मथ एंड टिन आर इनसॉल्युबल बट दे डिसॉल्व इन कॉंक HCl और ये जल्दी से ये तीनों केस लिख दीजिएगा साथ साथ तो ये सिर्फ HCl के लिए थी कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग बट कॉन्क एसिड में मतलब डिसॉल्व होते हैं मोस्टली हमने क्लोराइड सॉल्ट तो इसलिए HCl लिया हमने ओके मतलब ये PbSO4 जैसे ही हो गया लाइक PbSO4 जैसा मतलब यार वो अलग है मतलब इससे कैसे सिमिलरिटी कह रहे हो आप मुझे नहीं समझ लाइक वो एसिड में वो भी डिसॉल्व होता था ना लेकिन उसका रीजन अलग है ना भाई उसमें बाइसल्फेट बनता था यार हां ओके सर बच्चों कर लिया सर आपने ऊपर क्या लिखा H2O on dilution राइट H2O और डाइल्यूशन बेटा ये मैंने और ऐसा लिखा हुआ बेटा गंदी राइटिंग मेरी सॉरी सर नॉट एन इशू बेटा मेरी गलती है इज इट डन सर 1 मिनट 10 सेकंड हाँ भाई काफी हो गया टाइम इसको लेकर तो अब नेक्स्ट लिखिए अच्छा अब बेटे देखिए मतलब क्यूपरस आयन जो है अगर वाटर में रहा तो होता क्या है वाटर में ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है कॉपर और कॉपर प्लस टू में और उसका ड्राइविंग फोर्स है हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu प्लस टू तो इसीलिए जितने भी क्यूपरस सॉल्ट होंगे सारे क्यूपरस सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि कॉपर प्लस जैसे ही वाटर में आएगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा गेटिंग इट तो लिख दीजिए कि ऑल क्यूपरस सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल नेक्स्ट भाई cuprous ion in water next point cuprous ion in water disproportionates to give copper and copper plus 2 disproportionates to give copper and copper plus 2 sir can you please repeat this point I will afterwards disproportionates to give copper plus 2 and copper bas itna hi hai वैसे beti maine likha hai cuprous ion in water disproportionates to give copper and copper plus 2 likha to hai higher hydration energy ki wajah se नेक्स्ट देखिए भाई जितने भी बेटे अमोनियम सॉल्ट्स हैं एनएच फोर प्लस सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अमोनिया मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया में आपने ए जी एन एच थ्री होल ट्वाइस प्लस मतलब जैसे ए जी एन एच थ्री होल ट्वाइस प्लस मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं या सी यू NH3 whole 4 plus 2 etc. ये सारे क्या होंगे ये
वाटर सॉल्युबल होंगे और रीजन क्या है एच बॉन्डिंग विद वाटर. तो ये लिख दीजिएगा स्टेटमेंट पहले भाई ऑल अमोनियम सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अमोनिया आर वाटर सॉल्युबल due to intermolecular hydrogen bonding. ठीक है. और भाई सो कैन यू जस्ट प्लीज रिपीट दिस अमोनियम वाला सॉल्ट का पॉइंट में डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटे. अमोनियम सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अमोनिया आर ऑल वाटर सॉल्युबल ड्यू टू इंटरमॉलिक्युलर एच बॉन्डिंग. ओके सर. राइट. ओके नेक्स्ट लिखिए ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स से जो आपने नेचर रिएक्शन लिखवाया ये नोट नहीं करना है वो NH4 सॉल्ट्स वाला. नहीं भाई रिएक्शन नहीं है यही बात जो मैंने तुम्हें स्टेटमेंट लिखवाई है वही मैंने मतलब लिखा है. ओके सर सॉरी. यू कैन नोट दिस डाउन लाइक आफ्टरवर्ड्स यू नो इफ यू वांट. यस सर सॉरी सर. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट लिखिए साहब कि भाई ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 आर वाटर सॉल्युबल. Almost all compounds of group 1 are water soluble. Next. Almost all cyanides are water insoluble. Almost all cyanides are insoluble. Except क्या आएगा बच्चों except में बताइए. HgCN twice. अरे नहीं यार ये तो मैंने ऐसे लिख दिया. Except group 1 and ammonium आएगा ना पहले तो. भाई अभी तो बताया मैंने group 1 सारे soluble हैं ammonium सारे soluble बच्चे. Yes sir. उसके पहले के point में लिखाया. हाँ तो except group 1 and ammonium cyanide. Except group 1 and ammonium cyanide. और ये मैंने बच्चों इसलिए लिखा है कि बड़ा अजीब कंपाउंड है. मतलब ये क्या है ये सॉल्युबल होता है बट इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट इज अ नॉन मतलब आयंस में डिसोसिएट नहीं होता तब भी सॉल्युबल होता है. अजीब बात है. मतलब है तो मैंने बता दिया फैक्ट बिल्कुल कोरा फैक्ट. तो लिख दीजिए अलग से चाहे तो मर्क्यूरिक साइनाइड इज सॉल्युबल बट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. HgCN2 इज सॉल्युबल बट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सर फिर वो सॉल्वेट होता किस इसके अंदर. मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है मतलब हम ये कहते हैं और कुछ नहीं. ओके सर. सर मतलब बस हाइड्रेट हो जाता है राइट. बस हाइड्रेट हो जाता है बिल्कुल. जैसे मतलब आपने सॉल्यूशंस पढ़ लिया क्या. नहीं सर. अच्छा तो उसमें पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर. तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर मेजरमेंट जो होता है ना वो जीरो आता है लगभग. एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट लिखिए साहब कि भाई ऑल साइनाइड गया ना अभी तो फेरो पे आ जाते हैं. ऑल फेरो एंड फेरी साइनाइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट क्या आएगा ग्रुप 1 एंड अमोनियम है ना. एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम. ठीक है सर. आप फेरो और फेरी साइनाइड्स का एग्जांपल दे सकते हैं. बेटे बहुत सारे दूंगा अभी. मतलब मैंने आपको लिखवाया भी है FeCN6-4- जो होता है फेरो साइनाइड होता है. FeCN6-3- जो है वो फेरी होता है. अब कोई कैटायन लगा लीजिए. ये मैंने वहां पे जो ग्रुप बताया था ना भाई डाइल्यूट HCl4 ग्रुप उसमें लिखा था बेटे है ना. नेक्स्ट मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल
एक्सेप्ट, अब वो तो पक्का ही अपना एक है ना, ग्रुप वन एंड अमोनियम, एक्सेप्ट ग्रुप वन एंड अमोनियम। और भाई नेक्स्ट सर, फेरोफेरी के बाद कौन सा बोला आप? कार्बोनेट्स, मोस्ट ऑफ कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप वन एंड अमोनियम। नेक्स्ट, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। नेक्स्ट, ऑल बायसल्फाइड्स, मैंने लिख भी दिया है, ऑल बायसल्फाइड्स, बाय सल्फाइड्स एंड बाय सल्फेट्स आर सॉल्युबल। ऑल बायसल्फाइड्स, बाय सल्फाइड्स एंड बाय सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट, all phosphates are, all phosphates are insoluble except, insoluble except क्या आएगा? Group one and ammonia. जादू, very good. Next, भाई सर अभी आपने कौन सा कंपाउंड बोला? फॉस्फेट बोले बेटा। नेक्स्ट, ऑल परमैंगनेट्स आर, ऑल परमैंगनेट्स आर सॉल्युबल। एक्सेप्ट HMnO4, एक्सेप्ट HMnO4। ऑल परमैंगनेट्स आर सॉल्युबल except HMnO4. Next, all chromates are insoluble, all chromates are insoluble except group 1 and ammonium, except group 1 and ammonium. Group 1 and ammonium. Sir, chromates are not. Next. Sir, can you repeat the all chromates soluble? All chromates are insoluble except group 1 and ammonium. Okay, sorry. Next. Most of, most of sulfates are soluble, most of sulfates are soluble except barium strontium, most of sulfates are soluble except barium strontium, lead, Ag, barium strontium, lead, Ag. ठीक है। और भाई बच्चों, ये सॉल्युबल इफेक्ट्स तो नहीं लिखवाए होंगे ना विशाल जी ने, के लिखवाए थे? आई डोंट थिंक सो। नहीं सर, नहीं लिखवाए थे। सर ये कौन से चैप्टर का पार्ट होगा अगर फिजिकल में होगा तो? बेटा फिजिकल में नहीं है, मतलब ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग भी इनऑर्गेनिक में आता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग भी फिजिकल में नहीं होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी फिजिकल में नहीं आता है, वो इनऑर्गेनिक में आता है, वो विशाल जैन पढ़ा देता है, वो अलग बात है। एनीवेज, कैल्शियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। Calcium sulfate is sparingly soluble.
और नेक्स्ट ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेसिक मर्क्यूरिक कॉमा बेसिक बिस्मथ एंड भाई बेसिक कोबाल्ट नाइट्रेट ठीक है. नेक्स्ट अच्छा ये देखिए भाई ये क्या होंगे ये लिख दीजिएगा इन तीनों को सॉल्युबल इन कॉन्केशन उतरी ये तीनों को लिख दीजिएगा सर. आपने HGOH NO3 के साइड में येलोइश ब्राउन लिखा है ना. यस बेटे ठीक है. नेक्स्ट लिखिए ये हो गया ना. सो एक सेकंड ओके एक सेकंड ले लीजिए जल्दी से. हो गया सर. ऑल नाइट्राइट्स आर ITE है ना नाइट्राइट. ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल except AgNO2 और AgNO2 के साथ में लिख दीजिएगा white PPT except AgNO2 white PPT. ठीक है. और भाई नेक्स्ट मोस्ट सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप वन एंड अमोनियम next group 2 sulfides are sparingly soluble so beta lecture kab khatam hoga. लेक्चर यार एक दो पॉइंट रह गया यार जल्दी जल्दी लिख लो तो हो जाएगा. ग्रुप टू सल्फाइड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल बट दे डिसॉल्व ग्रेजुअली
but they dissolve gradually in water due to hydrolysis or next sulfides of the sulfides of the magnesium, chromium and aluminium. Magnesium, chromium and aluminium exist only in the dry state due to reactivity for hydrolysis. Next, almost next lecture किसका है? सर KVP KVP सर का. अबे KV को बोल देना मैंने extra लिया था थोड़ा सा 5 मिनट देर से मैं ही message कर दूँगा है ना. तो anyways भाई most sulfides are insoluble except group 1 and ammonium. सर reactivity for hydrolysis वाला point explain करेंगे क्या भाई? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोलिसिस के लिए, पोलराइजिंग पावर की वजह से, और सल्फाइड एनायन है, दोनों रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए बेटे. सल्फाइड भी बहुत रिएक्टिव होता है ना. ओके सर. मोस्ट सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम और नेक्स्ट कर लेना, मैं भेज दूंगा आपको है ना. हां नहीं भाई भाई अभी लिख लीजिए है ना. नेक्स्ट मोस्ट थायोसल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट दोज ऑफ भाई Ag plus Pb plus 2, Ag plus 1, bismuth plus 3, copper plus 1, and barium plus 2. कितने पॉइंट हो गए? 27. अबे बाप रे. बस एक लास्ट लिख लो कि ग्रुप वन सल्फाइड जो होते हैं, ग्रुप वन सल्फाइड्स वो सॉल्युबल तो होंगे, उनकी सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक होती है एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से. तो ये सल्फाइड की सल्फाइड आईडीई मेरे बच्चे आईडीई ग्रुप वन सल्फाइड आईडीई ग्रुप वन सल्फाइड्स हैव स्ट्रांगली बेसिक एक्वस सॉल्यूशन due to anionic hydrolysis ठीक है साथियों. तो due to anionic hydrolysis group 1 sulfides are water soluble due to anionic hydrolysis. अच्छा एक बात बेटे, मतलब दो चीजें बताता हूँ, बस दो मिनट लूंगा बेटे. एक तो ना फैक्ट नोटबुक बनाइए आप अलग से. फैक्ट नोटबुक क्या होती है, उसमें क्या करा करिए, हर दो तीन दिन में ना रैंडमली फैक्ट लिखा करिए बगैर देखे.
मतलब कितने आपको याद हुए, कलर लिख दीजिए उसमें, सॉलिबिलिटी फैक्ट लिखिए, कुछ भी ऑर्गेनिक का भी बनाइए, मैं तो कहता हूँ ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे फैक्ट आते हैं कि ऐसा होता ही है, तो एक फैक्ट नोटबुक बनाइए एक तो। दूसरा, कुछ बच्चे केवीपीवाई के लिए मेरे से पूछ रहे थे कि केवीपीवाई के लिए क्या करें, बट देखिए केवीपीवाई जब तक होगा तब तक हम 60% से ऊपर मतलब इनऑर्गेनिक का सिलेबस कर चुके होंगे वैसे तो, बट अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी से एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो रीडिंग करिए, वो सारा बॉन्डिंग बेस्ड ही है, मतलब उसका बेसिस जो है ना वो केमिकल बॉन्डिंग ही है मेनली, गेटिंग इट, तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट अ लाइक लॉट यू नो। तो केवीपीआई के लिए जब तक नहीं होता तो भाई आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क, एंड दिस इज लास्ट पेज, समवन वाज रिक्वेस्टिंग मी लास्ट पेज, तो यू कैन कॉपी और यू कैन लॉग आउट आल्सो, आई विल बी सेंडिंग इमेजेस एनीवेज। सर वो पॉइंट में आपने लिखा था मोस्ट थायोसल्फेट आर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल, सॉल्युबल 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 ओके है ना, एक्सेप्ट पॉइंट आप एक बार रिपीट कर दोगे क्या, मोस्ट थायोसल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेटा ये वाले एक्सेप्ट Ag+ Pb+2 मैंने लिखा भी है इसीलिए। हां ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके बेटा सर आई हैड अ डाउट। सर वी रोट लाइक मोस्ट बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल, मोस्ट नहीं सारे सारे बट सर 10th में था कि लाइक NaHCO3 एंड HCO3 आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल ना, लेकिन सॉल्युबल तो होती हैं ये, तो मैं भी लिखवाऊंगा आप। नहीं मतलब एक्चुअली यार सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब स्पेरिंगली से ज्यादा होता है, मतलब अगर वाटर सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली देखो आप तो मतलब वो बॉर्डर लाइन केस है, एनीवेज नॉट एन इशू। सॉल्युबल अगर आपसे पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल और नॉट, या लेक्चर इज ओवर, सॉल्युबल राइट, यस ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। And sir, carbonates are insoluble except group 1 and ammonia. Absolutely. Okay. Yes, bachi kuch keh rahi thi hamari ek. If you have any doubt, you can ask me or else you can log out. Not an issue. Sir, permanganate is insoluble, right? All permanganates are soluble. All permanganates are soluble except HMnO4. Sir, so chromates are insoluble. Most chromates are insoluble except group 1 and ammonium. Ah, okay, sir. Okay. Was it group 1 sulfides are strongly basing or sulfites? IDE, beta. IDE. Okay, sulfide, sir. Na2S, K2S and so on. And sir, in the dry state point, it is sulfides, right? Bilkul, beta. Maine likha bhi hai wo reaction. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Yeah. सर हमने जो सॉल्युबिलिटी की अभी एनालिसिस की है सर, फैक्ट्स जो लिखे हैं वो हमने वाटर के लिए लिखे हैं, सो कैन इट बी एक्सट्रापोलेटेड टू अदर पोलर सॉल्वेंट्स? नहीं 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 इतने आसान नहीं है भाई, मतलब है ना क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आ जाता है ना, जैसे मीथेनॉल ले लिया तूने, इथेनॉल ले लिया है तो प्रोटेक्ट, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक पार्ट होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बहुत चेंज हो जाती है, तो इसीलिए तुमसे पूछा भी नहीं, मतलब उसमें इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी ट्रेंड आपसे नहीं पूछेंगे। अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं वो मैं सिखाऊंगा, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हमने सॉल्युबिलिटी शुरू करी है, अभी हमने खत्म नहीं करी, सॉल्युबिलिटी एक क्लास चलती है बेटा, आपने जितना जब आप लिखवा रहे थे आपने जहाँ पे बोला है सॉल्युबल है सर, मतलब किसी एक कंपाउंड के सॉल्ट सॉल्युबल है तो उसमें इसका मतलब यह है कि कंप्लीटली सॉल्युबल होंगी कुछ स्पार्सिंगली भी होंगी? भाई एक बार बता सुन, इनफिनिटली सॉल्युबल तो कोई भी नहीं होता है ना, yes. अगर सैचुरेटेड तो सभी की सॉल्यूशन हो जाती है, तो अपने लिमिट्स में सॉल्युबल है वो। अगर आपसे पूछा जाए वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, जैसे लिथियम नाइट्रेट दे दिया जाए इज इट सॉल्युबल नॉट, तो भाई सॉल्युबल है, आपसे उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ सकते, वो कितना सॉल्युबल होगा वो डेटा नहीं पूछ सकते आपसे। Right? So, मतलब अभी तो जितने आपने स्पेलिंगली लिखा है उतना ही मान लिया। हाँ 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 अभी तो उतने ही है ना। ओके सर अभी आगे आएंगे यार, है ना। या NCERT covers most of things for KVPY at least, but not for JEE Advanced, मतलब 21st page please, या 21st page निखिलेश कुछ पूछना चाहता बेटे? थैंक यू सो मच। ओके बच्चों थैंक यू सो मच, बाय बाय टेक केयर, मस्ती। केवी को बोलना 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया था मैंने, तो 5 मिनट वो गैप दे देगा।